नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पहाड़ों में एक और नया दिन, एक और नई सुबह हो चुकी है। काफ़ी शानदार व्यूज़ आ रहे हैं सुबह के टाइम में। मैं जा रहा हूँ अभी कसैली मार्केट को दूध पहुँचाने, तो निकलता हूँ। ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, अपना दिन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मॉर्निंग व्यूज़ दिखाता हूँ पहाड़ों से, जो कि काफ़ी अमेजिंग और खूबसूरत देखने को मिल रहे हैं। पहाड़ों से ऐसी सुबह देखने को मिले तो दिन बन जाता है, काफ़ी दिल खुश होता है। तो चलिए व्यूज़ देखते हैं और ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और अपना दिन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ कसैली मार्केट में और सामने मुक्तेश्वर घाटी की तरफ देखिए, क्या बेहतरीन नज़ारे, क्या बढ़िया मस्त हिमालय देखने को मिल रहा है। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। और काफ़ी शांति बनी हुई है अभी ऊपर दूध की डेयरी, और मैं हूँ अभी रोड में। काफ़ी शांत माहौल अभी कसैली मार्केट में, सुबह का टाइम है अभी। और यहाँ पर एक क्यूट सा डॉगी का बेबी देखिए, काफ़ी मस्त लगते हैं छोटे बच्चे, चाहे किसी के भी हो। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, अभी समय ही हो रहा है 11 बजे, और मैं कसैलेक से सुबह जो दूध देने गया था आ गया था घर पे। अभी तक घर पे ही काम कर रहा था, फिर अब जा रहा हूँ मैं मजेड़ा साइड को। आपको भी मजेड़ा साइड घुमा के लाता हूँ, वहाँ कितना काम हो गया। काफ़ी दिनों के बाद मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। चौखुड़ा पे तो आज काम बंद है, क्योंकि पड़ोसी गांव में एक शादी है, सभी लोग आज बारात में जा रहे हैं इंजॉय करने के लिए। तो मैं चलता हूँ मजेड़ा साइड, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कि कहाँ पर शादी हो रही है, और उसके बाद चलता हूँ मजेड़ा, और मजेड़ा आपको घुमा के लाता हूँ और काम दिखा के लाता हूँ कितना काम यहाँ पर हो चुका है। तो अमित भाई भी गया है शादी पर, मैं ही हूँ यहाँ पर। तो निकलते हैं, अपना भी काम ही है, देख के आते हैं कितना हो रहा है काम। और नीचे देखिए, यहाँ पे है शादी, पड़ोसी गांव है हमारा सूपी काफली। अब देखिए, मैंने पूरा जूम कर लिया है, बहुत सी गाड़ियाँ देखिए, गाड़ियाँ भी वेट कर रही हैं, बारात तैयार हो रही है, बारात यहाँ से जा रही है, लड़के की शादी है यहाँ पे। तो सभी लोग यहाँ पे हैं अपना आज, और चकूटा साइड आज बंद हुई है, काम वहाँ पर होगा नहीं। और आपको बैंड बाजों की आवाज़ सुनाई दे रही है, कमेंट में शेयर करिएगा। तो काफ़ी शानदार नज़ारे आ रहे हैं अभी, मस्त धूप खिली हुई है। मैं भी घर से आ चुका हूँ और निकलता हूँ अब मजेड़ा साइड को। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं मजेड़ा काफ़ी दिनों के बाद, और ये नीचे चली हुई है हमारी साइड, रिटेनिंग वॉल देखिए। लगभग ये वाला पार्ट जो इधर का था, ये भी कंप्लीट हो चुका है, और आगे वाली तो पहले ही हो गई थी, और इस तरफ को फिर रिटेनिंग वॉल की नींव खोदी जा रही है। तो फिर यहाँ पर रिटेनिंग वॉल एक और बनाई जाएगी, और जो ये सामने आप गड्ढा सा देख रहे हैं, तो यहाँ से मिट्टी खोद के फिर नीचे फिलअप करी जाएगी, तो एक बढ़िया प्लॉट निकल के आ जाता है। तो मैं अभी नीचे चलूँगा और नीचे से आपको दिखाऊँगा क्या काम यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर आ रहा हूँ। और व्यूज़ काफ़ी शानदार आ रहे हैं मजेड़ा से, अभी बढ़िया धूप खिली हुई है, बादल एक भी आसमान में देखने को नहीं मिलेगा, और सामने है धानाचूली एरिया, बढ़िया धूप खिली हुई है। तो चलता हूँ नीचे और नीचे से आपको दिखाता हूँ कि क्या काम यहाँ पे हो रहा है। और सामने में मस्त बैलों से जुताई हो रही है देखिए, क्योंकि टाइम आ गया आलू वालू लगाने का, तो सामने में तैयारी हो रही है खेतों की। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ नीचे प्लॉट पे, अभी मैं रिटेनिंग वॉल के ऊपर खड़ा हूँ और ऊपर की साइड आपको प्लॉट दिखा रहा हूँ। रिटेनिंग वॉल की एरिया जो है, नीचे से हमने इसको कवर कर लिया, और ऊपर से अब मिट्टी काटी जाएगी तो इस पर भरी जाएगी। देखिए, मैं चल रहा हूँ अभी रिटेनिंग वॉल पे, तो ये पूरा एरिया भरा जाएगा, तो मस्त एकदम बढ़िया प्लॉट निकल के आता है। और ये है हमारे रिटेनिंग वॉल, जो इस साइड की भी कम्प्लीट हो चुकी है। इस तरफ की चार दीवारी जो हम बोल सकते हैं, इस तरफ की चार दीवारी कम्प्लीट होगी, आगे की होगी अब साइड में ये रिटेनिंग वॉल की नींव खोदी जा रही है। यहाँ दीवार बनाई जाएगी, तो यहाँ से एक चार दीवारी जिसको हम बोल सकते हैं वो कंप्लीट हो जाएगी, और मस्त एक प्लॉट निकल के आएगा इनका। फ्रेंड, यह है हमारी दीवार की लुक जो कंप्लीट हो चुकी है, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। ऐसी दीवार, मजबूत दीवार आपने कभी नहीं देखी होगी, और लुक देखिए, डिजाइन देखिए, काफ़ी मस्त सुंदर देखने को मिल रही है दूर से देखने में भी। अभी दूर से लुक दिखाऊँगा, पूरी रिटेनिंग वॉल कम्प्लीट हो चुकी है देखिए। अब एक पार्ट जहाँ पर अभी आपने देखा कि नई रिटेनिंग वॉल की नई खुदाई हो रही है, तो वहाँ पर वो खुदाई होती है, वहाँ पर वो दीवार लगती है, तो पूरा एरिया इनका कवर हो जाता है।
और आज मजेड़ा गांव से भी काफ़ी शानदार व्यू देखने को मिल रहा है। देखिए क्लीन व्यू, अच्छा व्यू। सामने धानाचूली एरिया, वहाँ बर्फ़ पिघल चुकी है अब। और इन खेतों में भी देखिए, जब से इन पे बुआई हुई जुताई हुई मैंने आपको दिखाया, और आज देखिए काफ़ी बढ़िया गेहूं उगने लगे हैं। खेत भी हरे भरे नज़र आ रहे हैं देखिए, और धूप भी बढ़िया खिली हुई है आज। एक भी बादल देखिए आसमान में देखने को नहीं मिलेगा। नीचे हो रहे हैं मस्त गेहूं, और यहाँ पे खेत में हो रहे हैं मसूर, जो मसूर की दाल होती है वो हो रही है। ये देखिए जो ये छोटे छोटे से पौधे जैसे दिख रहे हैं, ये मसूर उग रहा है इसमें बढ़िया सा। तो दोस्तों फाइनली मजेड़ा से मैं निकल चुका हूँ, अभी जा रहा हूँ घर की तरफ को लंच करने के लिए। दोपहर का समय है, 1 बजने वाला है। और काम आप लोगों को कैसा लगा, किस प्रकार यहाँ पर काम हो रहा है आप लोग जरूर समझे होंगे। और काम अच्छा हो लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी अच्छी लग रही है और पसंद आ रही है तो लाइक और सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मस्त बकरी है यहाँ पर, सामने खड़ी है बाइक। तो निकलते हैं घर की तरफ, और व्यू देखिए पहाड़ों से हर जगह का अपना एक व्यू होता है। और गर्मियों के दिन धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं, सुबह शाम तो ठंडा हो ही रहा है, दिन में हल्की हल्की गर्मी लगने लगी है अब। और जो ऊपर आप लोगों को घर दिख रहे हैं, यह है चखुटा एरिया। तो यहाँ पहुँचना है, इसके पल्ली तरफ मैंने जाना है, तो वहाँ जाऊँगा और हाइट पे पहुँच जाऊँगा तो वहाँ से और शानदार व्यू देखने को मिलेगा। तो निकलता हूँ मैं भी धीरे धीरे घर की तरफ को। तो फाइनली दोस्तों घर पर पहुँचने वाला हूँ, घर पे पहुंच जाते हैं। अपनी जो एक ख़ास चढ़ाई है अपने रास्ते की, इसको अभी चढ़ रहा हूँ। तो घर पे पहुंच जाता हूँ, लंच करते हैं, उसके बाद करता हूँ थोड़ी देर आराम। सुबह से बहुत दौड़ा भागी हो जाती है, थकान भी हो जाती है और भूख भी लग गई है ज़ोरों से। अब देखते हैं क्या बना रखा है लंच घर पर, तो लंच करते हैं। तो फाइनली दोस्तों पहाड़ों पर हो चुकी है शाम, शाम का समय हो रहा है अभी और सनसेट हो चुका है। तो मैं भी उठ चुका हूँ, अभी तक सोया हुआ था। तो अभी खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं घर के वहाँ पे से, मैं आपको एक बार शाम के नज़ारे दिखाता हूँ। और देखिए किस प्रकार के नज़ारे अभी आ रहे हैं। दिन भर आज मौसम साफ था, बादल आए हुए नहीं थे, इक्का दुक्का बादल अभी आसमान में दिख रहा है। तो पहले एक बार नज़ारे दिखाता हूँ आपको बेहतरीन शाम के। तो फ्रेंड ऐसे ही घूम रहे हैं हम अपने घर के आसपास में। ऊपर देखिए मस्त एकदम घना जंगल, और ये हैं आड़ू के पेड़ जो बढ़िया एकदम छटाई कर रखी है। अब इनमें आएंगे फूल और फल लगेगा इसमें, तो समय आ रहा है इसका भी। और मस्त गेहूं हो गए हैं देखिए बारिशों के बाद, एकदम बढ़िया गेहूं हो चुके हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही हम घूम रहे हैं, यह चला हुआ है हरीश भाई और साथ में मैं भी घूम रहा हूँ। और पास में बुरांस का फूल बहुत बढ़िया खिला हुआ है, मैं उसके पास आपको ले चलता हूँ। तो दोस्तों ये है वो बुरांस का फूल, देखिए इसमें पूरे फूल आ चुके हैं। और ये हमारा राज्य पुष्प है उत्तराखंड का, काफ़ी बढ़िया बेहतरीन फूल आता है इस पर। इसका जूस भी बनाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक माना जाता है। तो फाइनली दोस्तों पहाड़ों में हो चुकी है एक और शाम, सूरज ढल चुका है और मस्त अंधेरा छाया हुआ है। सभी जगह लाइटिंग देखिए, क्या नज़ारे आ रहे हैं अभी शाम के समय में। तो ये था हमारा दिन भर का ब्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। और आसमान में देखिए चाँद क्या खूबसूरत नज़र आ रहा है अभी।